डे 7, पाइपिंग फ्लेक्सिबिलिटी एंड सपोर्ट. दिस इज सेवेंथ टॉपिक जो कि हम कर रहे हैं अवेयरनेस कोर्स में ASME 31.3 के. आज हम बात करेंगे तीन सब टॉपिक्स की, पाइपिंग फ्लेक्सिबिलिटी एनालिसिस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सपोर्ट्स एंड एप्लीकेशंस, हाउ टू अकोमोडेट थर्मल एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रेक्शन. सो हमेशा की तरह हम स्टार्ट करेंगे सेफ्टी टॉक से, देन तीन टॉपिक की एक्सप्लेनेशन रहेगी, देन 20 क्वेश्चन रहेंगे इस टॉपिक पे अलॉन्ग विद करेक्ट आंसर एंड एक्सप्लेनेशन. सो लेट्स वेलकम आवर फ्रेंड प्रशांत जो कि हमें तीन टॉपिक एक्सप्लेन करेगा. सो लेट्स बिगिन फर्स्ट विद सेफ्टी टॉक. नमस्ते सभी को, आज हम बात करेंगे कन्फाइंड स्पेस एंट्री प्रोसीजर्स के बारे में ताकि आप कन्फाइंड स्पेसेस में काम करते वक्त सुरक्षित रहे. कन्फाइंड स्पेसेस को जानें, अपने काम स्थल में सभी कन्फाइंड स्पेसेस को पहचान लें और उन्हें लेबल करें. ये जगह है जहां लिमिटेड एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स होते ही है और ये खतरों से भरी हो सकती है. रिस्क असेसमेंट. कन्फाइंड स्पेस में प्रवेश करने से पहले एक थोरो रिस्क असेसमेंट करें, खतरे का पता लगाएं और उसके अनुसार सुरक्षा के उपाय प्लान करें. पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट. कन्फाइंड स्पेस एंट्री के लिए हमेशा पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट PPE पहने. इसमें रेस्पिरेटोरी प्रोटेक्शन, हार्नेसेस और गैस डिटेक्टर्स शामिल हो सकते हैं. स्टैंड बाय पर्सन. कभी भी अकेला कन्फाइंड स्पेस में ना जाएं. हमेशा ट्रेन स्टैंड बाय पर्सन को बाहर रखे जो ट्यूरेंट मदद या इमरजेंसी में मदद कर सके. एटमॉस्फेयर को टेस्ट करें. कन्फाइंड स्पेस के अंदर हवा की क्वालिटी और एटमॉस्फेयर को टेस्ट करें. ये ध्यान दें कि वो सेफ हो सांस लेने के लिए और टॉक्सिक या फ्लैमेबल गैसेस से मुक्त हो. प्रोसीजर्स को फॉलो करें. एंट्री और एग्जिट प्रोसीजर्स को सख्त से सख्त फॉलो करें. जल्दी में ना भागे और शॉर्टकट्स ना लें. आपकी सुरक्षा इन प्रोटोकॉल्स पर निर्भर करती है. याद रखें, कन्फाइंड स्पेसेस खतरों से भरे हो सकते हैं, लेकिन इन प्रोसीजर्स को फॉलो करके हम रिस्क को कम कर सकते हैं और सभी की सुरक्षा को इंश्योर कर सकते हैं. नमस्ते दोस्तों, हमारे 30 डे बिगिनर कोर्स ऑन ASME 31.3 में आपका स्वागत है. आज हम एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट पे डाइव करेंगे, पाइपिंग फ्लेक्सिबिलिटी एनालिसिस. फ्लेक्सिबिलिटी एनालिसिस पाइपिंग डिजाइन में इम्पॉर्टेंट होता है ताकि थर्मल एक्सपांशन, वाइब्रेशन और अदर फोर्सेस को हैंडल किया जा सके. चलिए की पॉइंट्स देखते हैं. फ्लेक्सिबिलिटी इम्पोर्टेंस. पाइपिंग सिस्टम्स को थर्मल एक्सपांशन, वाइब्रेशन और अदर फैक्टर्स के मूवमेंट्स को हैंडल करना होता है ताकि स्ट्रेस और डिफॉर्मेशन से बचा जा सके. स्ट्रेस एनालिसिस. फ्लेक्सिबिलिटी एनालिसिस में पाइपिंग कंपोनेंट्स के स्ट्रेस को इवैल्यूएट किया जाता है ताकि वो एक्सेप्टेबल लिमिट्स के अंदर हो. कोड एडहियरेंस. पाइपिंग सिस्टम्स को ASME 31.3 स्टैंडर्ड्स के रिक्वायरमेंट्स करना होता है ताकि सेफ्टी, इंटेग्रिटी और रिलायबिलिटी इंश्योर हो सके. एक्सपांशन लूप्स. लंबी पाइप्स में एक्सपांशन लूप्स का उसे होता है जो थर्मल एक्सपांशन एब्जॉर्ब करते हैं और एक्सेसिव स्ट्रेस को रोकते हैं. एक्सपांशन जॉइंट्स. ये कंपोनेंट्स थर्मल एक्सपांशन, साइज़मिक एक्टिविटी या अदर फैक्टर्स से आने वेल मूवमेंट्स को अब्सॉर्ब करते हैं अलग अलग डायरेक्शंस में. स्प्रिंग सपोर्ट्स. वर्टिकल मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए स्प्रिंग सपोर्ट्स का उसे होता है जो साथ हाई पाइपिंग सिस्टम को सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं. हैंगर सपोर्ट्स. पाइपिंग को हैंगर सपोर्ट्स से सस्पेंड किया जाता है ताकि उसका मूवमेंट लिमिट हो और सही अलाइनमेंट इंश्योर हो. गाइडेड सपोर्ट्स. ये सपोर्ट्स स्पेसिफिक डायरेक्शंस में मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं और डिजायर्ड पाइपिंग कॉन्फ़िगरेशन मेंटेन करते हैं. रिस्ट्रेंट्स. रिस्ट्रेंट्स का यूज एक्सेसिव मूवमेंट और वाइब्रेशन को क्रिटिकल एरियाज में रोकने के लिए होता है.
एनालिसिस टूल्स फ्लेक्सिबिलिटी एनालिसिस के लिए स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर का उसे होता है जिसे इंजीनियर्स मूवमेंट को एक्यूरेट तरीके से प्रिडिक्ट और मैनेज कर सकते हैं। पाइपिंग फ्लेक्सिबिलिटी समझना डिजाइन के लिए एसेंशियल है ताकि वेरियस फोर्सेस और मूवमेंट्स को हैंडल करके सेफ्टी और रिलायबिलिटी इंश्योर किया जा सके। आज का वीडियो यही खत्म होता है। अगली टॉपिक है डिफरेंट टाइप्स ऑफ सपोर्ट्स एंड देयर एप्लीकेशंस। तो तैयार रहे और सीखते रहिए। नमस्ते दोस्तों, हमारे 30 डे बिगिनर कोर्स ऑन ASME.BE 31.3 में आपका स्वागत है। आज हम एक दिलचस्प टॉपिक पे डाइव करेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सपोर्ट्स एंड देयर एप्लीकेशंस। सपोर्ट्स पाइपिंग सिस्टम्स की स्टेबिलिटी और इंटेग्रिटी को मेंटेन करने में एक क्रिटिकल रोल प्ले करते हैं। चलिए की पॉइंट्स देखते हैं। टाइप्स ऑफ सपोर्ट्स पाइपिंग सिस्टम्स में अलग अलग टाइप्स के सपोर्ट्स होते हैं जैसे स्प्रिंग, हैंगर, गाइडेड, रिजिड, स्नबर्स और स्ट्रट्स। स्प्रिंग सपोर्ट्स, ये सपोर्ट्स वर्टिकल मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं और लोड एब्जॉर्ब करते हैं जिसे पाइप अप और डाउन मूव कर सके जैप सपोर्ट बना रहे। हैंगर सपोर्ट्स पाइपिंग को सस्पेंड करते हैं और एक्सियल मूवमेंट को लिमिट करते हैं। इनका यूज टैब होता है जैब वर्टिक मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट करना हो। गाइडेड सपोर्ट्स स्पेसिफिक डायरेक्शंस में मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं ताकि डिजायर्ड पाइपिंग कॉन्फिगरेशन मेंटेन किया जा सके। रिजिड सपोर्ट्स सारी मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट करते हैं और जनरली एंकर पॉइंट्स पे उसे होते हैं जैब मूवमेंट नहीं चाहिए। स्नबस डायनामिक फोर्सेस जैसे साइज़मिक एक्टिविटी को अब्सॉर्ब करते हैं और सडन डैमेजिंग मूवमेंट को रोकने में मदद करते हैं। स्ट्रट्स लेटरल मूवमेंट को रेजिस्ट करते हैं और पाइपिंग सिस्टम को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं स्पेशली जैब साइड टू साइड मोशन को कंट्रोल करना हो। एप्लीकेशंस सपोर्ट टाइप का चुनाव पाइपिंग लेआउट, लोड डिस्ट्रीब्यूशन और मूवमेंट रिक्वायरमेंट्स के बेसिस पे होता है। अलग सपोर्ट्स स्ट्रैटेजिकली पाइपिंग सिस्टम में प्लेस किए जाते हैं ताकि प्रॉपर फंक्शनिंग हो, एक्सेसिव स्ट्रेस प्रिवेंट हो और ओवरऑल स्टेबिलिटी मेंटेन रहे। आज का वीडियो यही खत्म होता है। अगली टॉपिक है हाउ टू अकोमोडेट थर्मल एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। तो तैयार रहे और सीखते रहिए। नमस्ते दोस्तों, आज हम अपने डिस्कशन में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं, थर्मल एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन को कैसे एडजस्ट करें। चलिए समझे कि कैसे मटेरियल्स गर्मी से एक्सपैंड होते हैं और ठंडे होन पार कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो पाइपिंग सिस्टम्स में स्ट्रेस क्रिएट करते हैं। गर्मी से एक्सपैंड होन का समझना, सीखे कि जैब हीट लगती है तो मटेरियल्स एक्सपैंड होते हैं और जैब ठंड लगती है तो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो पाइपिंग सिस्टम्स में स्ट्रेस क्रिएट करते हैं। एक्सपांशन लूप्स, जानिए एक्सपांशन लूप्स या यूबेंड्स का इस्तेमाल कैसे होता है जो थर्मल एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन को अब्सॉर्ब करते हैं बिना पाइपिंग को स्ट्रेस के। एक्सपांशन जॉइंट्स, समझे एक्सपांशन जॉइंट्स की भूमिका जो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं और कंट्रोल्ड मूवमेंट अलाउ करते हैं टेम्परेचर चेंजेस को हैंडल करने के लिए। फ्लेक्सिबल होजेस, पाइपिंग में थर्मल मूवमेंट एब्जॉर्ब करने के लिए कैसे फ्लेक्सिबल होजेस या बिलोज का उपयोग किया जा सकता है ये समझे। पाइपिंग लेआउट डिजाइन, डिजाइनिंग में समझे कि कैसे सफिशियंट स्पेस और फ्लेक्सिबिलिटी के साथ पाइपिंग लेआउट्स डिजाइन करना है ताकि एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन को एडजस्ट किया जा सके। एंकरिंग और गाइड्स, सही तरह से एंकरिंग और गाइड्स का महत्व समझे जो पाइप्स की मूवमेंट को गाइड करते हैं और अधिक स्ट्रेस को रोकने में मदद करते हैं। थर्मल स्ट्रेस एनालिसिस, समझे कि थर्मल स्ट्रेस एनालिसिस क्यों जरूरी है जिसे पोटेंशियल हॉटस्पॉट्स और क्रिटिकल एरियाज को पहचान सके। मटेरियल सिलेक्शन, एक्सप्लोर करें मटेरियल सिलेक्शन का महत्व जो सही कोएफिशिएंट्स ऑफ थर्मल एक्सपांशन के साथ मटेरियल्स को चूज करते हैं ताकि स्ट्रेस कम हो। ऐसे ही हम अपने डिस्कशन को समाप्त करते हैं।
थर्मल एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन को कैसे एडजस्ट करें के टॉपिक पे। अगला टॉपिक होगा फ्लूइड सर्विसेज के कैटेगराइजेशन। ज्यादा जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ।
थैंक्स प्रशांत फॉर एक्सप्लेनिंग दीज थ्री सब टॉपिक्स. हमने आज पाइपिंग फ्लेक्सिबिलिटी एंड सपोर्ट्स की बात की, जिसमें हमने स्टार्ट किया सेफ्टी टॉक से, देन हमने इन थ्री टॉपिक पे डिटेल में बात की. उसके बाद सेम तीन सब टॉपिक्स पे हमने क्विज अटैम्प्ट किए 20 MCQs की करेक्ट आंसर्स एंड एक्सप्लेनेशन के साथ. तो नेक्स्ट पार्ट में हम एट्थ टॉपिक डिस्कस करेंगे, फ्लूइड सर्विस रिक्वायरमेंट्स, जिसमें हम कैटेगराइजेशन ऑफ फ्लूइड सर्विस, रिक्वायरमेंट फॉर डिफरेंट फ्लूइड कैटेगरीज एंड इम्पैक्ट, ये तीन सब टॉपिक्स डिस्कस करेंगे. सो थैंक यू प्रशांत फॉर एक्सप्लेनिंग टूडेज टॉपिक एंड थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग. सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट.